भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। मेजबान साउथ अफ्रीका ने भारत को 2-1 से मात दी। केप टाउन में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने मेजबान टीम के सामने जीत के लिए 212 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से चेस कर लिया। मेजबानों की जीत के हीरो कीगन पीटरसन रहे, जिन्होंने पहली पारी में 72 और दूसरी पारी में 82 रन बनाए। मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यहां विराट कोहली से तीसरे दिन हुए डीआरएस विवाद पर सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में विराट कोहली ने कहा, मुझे कोई विवाद खड़ा करने में दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं इस पर कोई कमेंट करना चाहूंगा। हम जानते हैं कि मैदान पर असल में क्या हुआ था, मैदान पर क्या हो रहा होता है, बाहरी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। उस समय अगर हमने 3 विकेट ले लिए होते तो गेम का पासा पलट गया होता। हकीकत ये भी है कि हम ज्यादा देर तक साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सके और इस वजह से हार मिली। सिर्फ एक वो घटना विवाद पैदा करने के लिए काफी अच्छी और उत्तेजक लगती है, जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एक पल था जो बीत गया, हम उससे आगे बढ़ें और विकेट लेने की कोशिश करते रहे। आपको बता दें कि मुकाबले के तीसरे दिन के आखिरी सेशन में डीआरएस पर विवाद देखने को मिला। साउथ अफ्रीका की पारी के 21वें ओवर की बात है। अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद डीन एल्गर के पैड पर जाकर लगी। अश्विन ने जोरदार अपील की, अंपायर ने तुरंत आउट करार दिया। इसके बाद एल्गर ने रिव्यू लिया, जहां बॉल ट्रैकिंग के जरिए पता चला कि गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी। एल्गर बच गए। मैदानी अंपायर मरे इरास्मस को भी बॉल ट्रैकिंग पर हैरानी हुई। वह हैरानी से सिर हिलाने लगे। उधर एल्गर को नॉट आउट करार देते ही कप्तान कोहली समेत बाकी खिलाड़ी थर्ड एम्पायर के फैसले पर भड़क उठे। गुस्से से तमतमाए कोहली स्टंप तक गए और बोले, सिर्फ विपक्षियों पर फोकस रखने के साथ अपनी टीम पर भी फोकस रखो। हमेशा लोगों को पकड़ने के चक्कर में ही रहते हो। बहुत अच्छे डीआरएस, बहुत अच्छे। निश्चित रूप से डीआरएस यहां निष्पक्ष खेल करा रहा है। गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन होस्ट ब्रॉडकास्टर के लिए कहते सुनाई दिए, सुपर स्पोर्ट तुम्हें जीत के लिए और बेहतर तरीके खोजने चाहिए। अश्विन के इस इल्जाम पर ब्रॉडकास्टर सुपर स्पोर्ट का भी बयान सामने आया। सुपर स्पोर्ट ने कहा, बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी आईसीसी के द्वारा अप्रूव्ड है। सुपर स्पोर्ट ने भारतीय टीम के खिलाड़ी द्वारा किए गए कमेंट को नोट किया है। हॉकआई स्वाधीन सर्विस प्रोवाइडर है, जिन्हें खुद आईसीसी ने अप्रूव किया है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डीआरएस में कई सालों से किया जा रहा है। हॉकआई टेक्नोलॉजी पर सुपर स्पोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं है। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब डीआरएस पर विवाद हुआ है। इस टेक्नोलॉजी में भी खामियां हैं। समय समय पर आईसीसी ने चीजों को बेहतर करने के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी आएगी, जिससे वाद विवाद कम देखने को मिलेगा। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अविनाश ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।